गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। यूपी में शादी में 100 की जगह खाना खाने पहुंचे 350 लोग, फिर किया पुलिस ने ये काम। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी अपडेट कहां से आ रही है, क्या किया है पुलिस ने। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, शादी अभी आजकल उसके जो तरीके हैं वो बदल चुके हैं। शादी अगर आपके घर में है तो आप लोगों को एक्चुअली में COVID-19 की जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई गई है उसको आपको फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है। पहले शादी में 50 लोग शामिल हो सकते थे, इन लोगों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। इस दौरान ही यूपी में एक शादी समारोह रखा गया और उस शादी के जो हॉल थे वहां पर 100 लोगों के आने की अनुमति थी, पर वहां पर 350 से भी ज्यादा अधिक लोग वहां पर थे। और जब पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो अधिक लोग तो दिखाई दिए और COVID-19 के जो गाइडलाइंस थे उनको तोड़ते हुए दिखाई दिए। ना कोई वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। और उस दौरान ही वहां के जो सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार है उन्होंने मंगलवार रात को इसके ऊपर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी। और उस दौरान ही जो उस भवन के जो मालिक है हेमत उनका नाम है, और जो वो भवन था बिजल भवन बोला जाता है, बिजल भवन में ये शादी रखी गई थी। और हेमत जो कि हेमत भजल करके एक उस हॉल के मालिक थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उसी के साथ दूल्हे पक्ष के माता पिता को अरेस्ट कर लिया गया है, दुल्हन पक्ष के माता पिता को अरेस्ट कर लिया गया है कि उन्होंने उल्लंघन किया है। इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने अभी ये भी चीज बताया है कि ये पहला मामला सामने आया है, उनको फाइन भी लगेगा और उस दौरान ही उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आई होप गाइस आप लोग को जानकारी हमारी तरफ से अपडेटेड लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।